नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की खबरों को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। जैसे जैसे 23 अगस्त को लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ लोग ही नहीं, इसरो के भी कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक और इंजीनियर भी उत्साहित है। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। इस बीच इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल लैंडिंग पर भरोसा जताया है। लैंडिंग से एक दिन पहले इसरो चीफ ने कहा था कि हम आश्वस्त हैं क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक रहा है और इस मोड़ तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। हमने सभी तैयारियां कर ली और इस चरण तक सभी प्रणालियों ने हमारी आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे बताया कि हम अब कई सिमुलेशन वेरिफिकेशन और सिस्टम के डबल वेरिफिकेशन के साथ लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। उपकरणों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। आज इसरो ने मिशन के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है। प्रणालियों की नियमित जांच भी की जा रही है, सुचारू संचालन जारी है। इसरो ने इसके साथ ये भी कहा कि मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में ऊर्जा और उत्साह का माहौल है। इसके साथ ही इसरो ने लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की हैं। स्पेस एजेंसी ने बताया कि 23 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार 5:20 पर लैंडिंग ऑपरेशन की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसरो की इस लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। ये ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में रूस के मून मिशन लूना 25 फेल हो गया। साल 2019 से 2023 के बीच चांद पर भेजे गए 4 में से 3 मिशन फेल हो चुके हैं। इनमें से इजराइल का बेरेशीट, जापान का हुकुतो आर, भारत का चंद्रयान 2 और रूस का लूना 25 विफल रहे। केवल चीन का चांग 5 चांद पर सफल लैंडिंग में कामयाब रहा था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत खास देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर पाया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा।